हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द सोशोलॉजी लेक्चर सीरीज़ फॉर यूपीएससी ऑप्शनल इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट मेजर थेरोटिकल्स ट्रेंड्स इन रिसर्च मेथडोलॉजी तो रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होता है इट्स अ वाइडर टर्म गिवन टू द एंटायर प्रोसेस ऑफ रिसर्च दैट इंक्लूड्स साइंटिफिक स्पेसिफिक अप्रोच एंड आइडियोलॉजी रिसर्च मेथड्स रिसर्च डिजाइन डेटा अजम्पन्स एंड लॉजिक्स यूज इन प्रोसेस तो रिसर्च मेथडोलॉजी क्या होता है कि आपका एंटायर प्रोसेस यानी कि शुरुआत से आप कौन सा अप्रोच लेके चल रहे हो आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे कौन सा डेटा एजम्पन्स कैसा होगा रिसर्च डिज़ाइन सारा जो प्रोसेस है रिसर्च करने का उसको हम रिसर्च मेथडोलॉजी कहते हैं इन सोशोलॉजी तो काफ़ी सारे डिफरेंट अप्रोचेस होते हैं इन सोशोलॉजी लाइक पॉजिटिविस्ट अप्रोच है, like, है जो, जो कहता है कि हमें सोशोलॉजी को साइंस की तरह स्टडी करना चाहिए जैसे हम नेचुरल साइंस को स्टडी करते हैं देन इंटरप्रिटिविस्ट आते हैं वो कहते हैं कि हमें इंडिविजुअल को पढ़ना चाहिए एक्शंस को पढ़ना चाहिए ह्यूमन बिहेवियर को भी देखना चाहिए इंटरनल एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट को भी देखना चाहिए फंक्शनलिस्ट आते हैं वो कहते हैं कि सोसाइटी कैसे फंक्शनल करती है तो उसको फंक्शनल पार्टन में स्टडी करना चाहिए कॉम्फ्लिक्स कॉम्फ्लिक्ट conflict देखते हैं सोसाइटी में उसकी स्टडी करते हैं फेमिनिस्ट जेंडर परस्पेक्टिव देखते हैं ठीक है थीके? तो ये सारे मेजर जो है वो अप्रोचेज़ हैं तो सोशोलॉजिकल अप्रोचेज़ में वही है माइक्रो एंड मैक्रो तो मैंने स्टार्ट में भी आपको माइक्रो एंड मैक्रो स्कूल का आपको आइडिया दिया था ठीक है तो माइक्रो वाले क्या करते हैं वो थोड़ा इंडिविजुअल लेवल पे इंटरप्रिटेशन uh, करते हैं ठीक है थीके? तो उनकी स्टडी में होता है ये सारे मेथड्स वो यूज़ करते हैं मैथोलॉजी सिम्बोलिक इंटरैक्शनिज़म जो जो हम आगे पढ़ेंगे एंड मैक्रो वाले जो है वो पॉजिटिविस्ट मोस्टली होते हैं जो साइंटिफिक डिसिप्लिन पर बिलीव करते हैं कि साइंटिफिक मेथड यूज़ करना चाहिए तो फंक्शनलिज्म कॉन्फ्लिक्ट वाले जो है आ, लोग वो इस कैटेगरी में आते हैं तो आई होप कि आपको इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे बट आई होप आपको ब्रॉड व्यू आ गया है कि मे मेजर जो व्यू पॉइंट्स है वो क्या क्या होते हैं सोशियोलॉजी में सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इफ यू एनी डाउट्स लेट मी डो इन द कमेंट सेक्शन बिलो